ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ईसीडी नंबर 111 0, क्लैरिफाइड ऑन 23 मई 2009 एट नागपुर। ओम शांति। वाणी चल रही थी 3 अगस्त 1968। ओम शांति। द वाणी बीइंग नरेटेड वाज ऑफ द 3 अगस्त 1968। तीसरे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक इन द बिगनिंग ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द 3rd पेज। बाप कहते हैं मेरा ये जन्म अलौकिक है। द फादर सेज दिस बर्थ ऑफ माइन इज अलौकिक। और किसी का भी ये अलौकिक जन्म नहीं हो सकता। नो वन एल्स कैन हैव दिस अलौकिक बर्थ। लौकिक जन्म होता है इस लोक में, गर्भ से जन्म कहा जाता है। दे हैव लौकिक बर्थ इन दिस वर्ल्ड। इट इज सेड दे आर बोर्न फ्रॉम द वोम। और मैं तो ज्ञान गर्भ में आता हूँ। वेयर एज आई कम इन द वोम ऑफ नॉलेज। जिस ज्ञान गर्भ में आता हूँ अर्थात जिसमें प्रवेश करता हूँ मुकर्रर रूप से। द वोम ऑफ नॉलेज इन विच आई कम, इट मीन्स द वन हुम आई एंटर परमानेंटली। उसके द्वारा प्रत्यक्ष तब होता हूँ जब ज्ञान गर्भ परिपक्व स्टेज में आ जाता है। आई एम रिवील्ड थ्रू हिम व्हेन द वोम ऑफ नॉलेज रीचेस द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले गुप्त होता है बाद में प्रत्यक्ष होता है। जस्ट लाइक व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न इट इज हिडन फर्स्ट लेटर इट इज रिवील्ड। उससे भी पहले बच्चे का गर्भपिंड तैयार होता है। इवन बिफोर दैट द फीटस ऑफ द चाइल्ड गेट्स रेडी। तो सन 36 में ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव जयंती हुई। सो इट वोंट बी सेड दैट देयर वाज शिव जयंती इन द ईयर 1936। नहीं, नो, सिर्फ ज्ञान का बीज आरोपण हुआ। ओनली द सीड ऑफ नॉलेज वाज सोन। और उस बीज से गर्भपिंड तैयार हुआ। एंड द फीटस गॉट रेडी फ्रॉम इट। गर्भपिंड जैसे लौकिक में 4-5 महीने का जब हो जाता है तो उसमें आत्मा प्रवेश करती है। As soon as the fetus, when it is of 4 to 5 months in the Laukic world, the soul enters it. ऐसे ही ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष मानी जाती है। Similarly, the age of Brahma is considered to be 100 years. उसमें 40 वर्ष जब पूरे होते हैं साठ वर्ष की वानप्रस्थावस्था के बाद। When the 40 years after the 60 years of the vanaprastha stage are over, तो 100 साल में ब्रह्मा परिपक्व स्टेज में माना जाता है। ब्रह्मा इज कंसिडर्ड टू बी इन द मैच्योर स्टेज इन 100 ईयर्स। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खलास हो जाती। हिज एज इज कंप्लीटेड इन द मॉर्टल वर्ल्ड। और अमर लोक में वो ब्रह्मा की आत्मा और शिव की आत्मा मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है। एंड द सोल्स ऑफ ब्रह्मा एंड शिव एंटर द परमानेंट चैरियट इन द अमर लोक। उसको भी जन्म लेना नहीं कहा जा सकता। दैट कांट बी कॉल्ड हैविंग बर्थ ईदर। बल बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाई लिया
दो दे सेलिब्रेटेड द ईयर ऑफ द फादर्स रेवल्यूशन। परंतु वो प्रत्यक्षता वर्ष सब के लिए लागू नहीं होता। दैट ईयर ऑफ रेवल्यूशन इज इंट एप्लीकेबल टू एवरीवन। क्योंकि आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते। इट इज बिकॉज द चिल्ड्रन बिकम दोज विथ एन इंटेलेक्ट दैट हैज फेथ टुडे एंड दे बिकम दोज विथ डाउटिंग इंटेलेक्ट टुमारो। प्रत्यक्ष हुई आत्मा सिर्फ जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है उसे ही प्रत्यक्ष है और मुकर्रर रूप से प्रत्यक्ष है। द परमानेंट चैरियट होम द सोल हु इज रिवील्ड एंटर्स ही इज रिवील्ड ओनली टू हिम दैट इज द चैरियट एंड ही इज रिवील्ड इन अ परमानेंट वे। बाकी तो पता नहीं चलता। द अदर्स डोंट कम टू नो अबाउट इट। जैसे कि माँ के गर्भ में बच्चा आता है उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो माँ को पता चलता है। जस्ट लाइक वेन द फीटस ग्रोस इन द वूम ऑफ द मदर एंड द सोल एंटर्स इट द मदर कम्स टू नो अबाउट इट। प्रैक्टिकल में और कोई को पता नहीं चलता। नो वन एल्स कम्स टू नो अबाउट इट इन प्रैक्टिस। ऐसे ही 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनुष्य सृष्टि के बाप के लिए प्रत्यक्ष होने की बात है। सिमिलरली द ईयर ऑफ द फादर्स रेवल्यूशन इन 1976 इज फॉर द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड। वास्तव में प्रत्यक्षता तो तब कही जाए जब सारी दुनिया माने कि बाप आ गया है। इट विल बी कंसिडर्ड टू बी द एक्चुअल रेवल्यूशन व्हेन द एंटायर वर्ल्ड एक्सेप्ट्स दैट द फादर हैज कम। और वो प्रत्यक्षता तो तभी होती है जब ज्ञान परिपक्व स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाए। एंड दैट रेवल्यूशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन द नॉलेज इज रिवील्ड इन इट्स मैच्योर स्टेज इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। उसको कहते हैं मेरा अलौकिक जन्म। इट इज कॉल्ड माई अलौकिक बर्थ। वो बाप सारे संसार में तभी प्रत्यक्ष होता है जब 500-700 करोड़ की बाहरी दुनिया तो अज्ञान अंधकार में होती ही है। दैट फादर इज रिवील्ड इन द एंटायर वर्ल्ड ओनली व्हेन द आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ 5-7 बिलियन सोल्स इज नो डाउट इन द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। लेकिन बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया भी अंधकार में आ जाती है। बट द वर्ल्ड ऑफ बेसिक ब्राह्मिन्स टू कम्स इन डार्कनेस। और बेसिक से निकले हुए एडवांस ज्ञान के बच्चे वो भी तामसी स्टेज में आ जाते हैं। इन एडिशन द चिल्ड्रन ऑफ एडवांस नॉलेज हु कम फ्रॉम द बेसिक नॉलेज ऑल्सो रीच देयर तामसी स्टेज। तमो प्रधान बन जाते हैं। दे बिकम तमो प्रधान। ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बन जाते हैं। डिस्पाइट बीइंग नॉलेजेबल दे बिकम इग्नोरेंट। इस तरह जब सारी दुनिया में घोर अज्ञान अंधकार फैल जाता है। इन दिस वे व्हेन एक्सट्रीम डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस स्प्रेड्स इन द एंटायर वर्ल्ड तब मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। इट इज देन दैट आई एम रिवील्ड। इसलिए बोला दिस इज वाई इट वॉज सेड कि विनाश की डेट भी वही होगी जब सब कोई विनाश से निश्चिंत हो जावेंगे। द वेरी डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन विल बी व्हेन एवरीवन विल बिकम केयर फ्री विद द थॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। समझेंगे अब विनाश होने वाला है ही नहीं। दे विल थिंक नाउ डिस्ट्रक्शन इज इंट गोइंग टू टेक प्लेस एट ऑल। ये अज्ञानता की अंतिम स्टेज है। दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ इग्नोरेंस। तो मेरा प्रत्यक्षता रूपी अलौकिक जन्म है। सो आई हैव अलौकिक बर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेवल्यूशन।
घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में प्रत्यक्ष होता हूँ। आई एम रिवील्ड एट द नाइट ऑफ एक्सट्रीम डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। और मैं खुद इस साधारण तन में आता हूँ। एंड आई माई सेल्फ कम इन दिस ऑर्डिनरी बॉडी। कोई गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े साहूकार के तन में नहीं आता हूँ। आई डोंट कम इन द बॉडी ऑफ अ फेयर टॉल एंड स्टडी मर्चेंट। साधारण तन में आता हूँ। आई कम इन एन ऑर्डिनरी बॉडी। तो तुम साधारण गरीब बच्चों को आकर मिलता हूँ। सो आई कम एंड मीट यू ऑर्डिनरी पुअर चिल्ड्रन। नहीं तो तुमको यह ज्ञान कौन सुनावेगा? अदरवाइज हु विल नरेट दिस नॉलेज टू यू। मैं गरीब निवाज हूँ, साहूकार निवाज नहीं हूँ। आई एम द फ्रेंड ऑफ द पुअर, आई एम नॉट द फ्रेंड ऑफ द रिच। ऐसे नहीं कि लखपति करोड़पति हीरों के व्यापारी साहूकार में आता हूँ। It isn't that I come in a millionaire, billionaire, a diamond merchant or a rich person. और बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। And I am revealed in the form of the father. नहीं। No. ज्ञान तो उसे कहेंगे जिसे जानकारी मिले। Something from which you receive information will be called knowledge. मनुष्य सृष्टि के बाप की जानकारी मिले, आत्माओं के बाप की जानकारी मिले, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी मिले। यू रिसीव द इन्फॉर्मेशन ऑफ द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड, द फादर ऑफ द सोल्स एंड द बिगिनिंग द मिडिल एंड द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो मैं इस रथ पर आता हूँ। सो आई कम इन दिस चैरियट। उन्होंने फिर बैल दे दिया है। दे हैव शोन अ बुल। उन्होंने माने किन्होंने? दे मीन्स हु? उन भक्तों ने। दोस डिवोटीज। भक्तों ने समझ लिया है कि भगवान बैल पर सवार होकर आता है। नहीं। दे हैव अंडरस्टूड दैट गॉड राइड्स अ बुल एंड कम्स। नो। भगवान जानवर पर सवार होकर क्यों आवेगा? Why will God ride an animal and come? जानवरों को पढ़ाई पढ़ावेगा क्या? Will he teach knowledge to the animals? नहीं। No. मैं तो मनुष्य तन में आता हूँ। I certainly come in a human body. और मनुष्य तन में भी? And even among the human bodies. वो मनुष्य तन होना चाहिए जो पूरे 84 चक्र लगाता है। इट शुड बी द वन हु रोटेट्स द साइकिल ऑफ कंप्लीट 84 बर्थ्स। एक दिन भी कम नहीं। देयर शुडंट बी इवन अ सिंगल डे लेस इन इट। अनुभवी मनुष्य तन लेता हूँ। आई टेक ऑन एन एक्सपीरियंस्ड ह्यूमन बॉडी। तो मैं मनुष्य तन में आता हूँ। सो आई कम इन अ ह्यूमन बॉडी। और मनुष्य जो मनुष्य से देवता बनता है वो फिर सारे संसार को कंट्रोल करता है। एंड द वन हु बिकम्स अ डेटी फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग कंट्रोल्स द एंटायर वर्ल्ड। राक्षसी वृत्ति के मनुष्यों को भी कंट्रोल करता है और जानवरों को भी कंट्रोल करता है। He controls the human beings with demonic nature as well as the animals. इसलिए शिव के मंदिर में जो बैल दिखाते हैं वो बैल जानवर बुद्धि की यादगार है। This is why the bull which is shown in the temple of Shiv is the yadgar of the one with an animal-like intellect. ब्रह्मा के तन में आया। He came in the body of Brahma.
परंतु ब्रह्मा ने समझा तो कुछ भी नहीं। बट ही डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एट ऑल कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। एज टू हु द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड इज, अपने बाप को ही नहीं पहचाना। When he didn't recognize his father at all, तो फिर क्या पहचाना? What did he recognize? इसलिए बैल जो दिखाया है वो बैल ब्रह्मा की यादगार है। This is why the bull that has been shown is the yadgar of Brahma. और जो लिंग दिखाया है वो मुकरर रथ की यादगार है। And the link that has been shown is the yadgar of the permanent chariot. जो ऐसी याद में स्थिर होता है जैसे कि इंद्रियां हैं ही नहीं। He stabilizes in such remembrance as if he doesn't have indriya at all. देखते हुए नहीं देखना। He doesn't see anything despite seeing it. सुनते हुए नहीं सुनना। ये इंद्रियों की ऐसी स्टेज जिसे निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज कहा जाता है। He doesn't listen to anything despite listening to it. Such stage of the indriya is called the incorporeal, viceless and egoless stage. परंतु वो संपन्न स्टेज बनती तब है जब पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज होती है। But he reaches the complete stage when it is the last stage of Purushartha. Purushartha में high jump लगाई जाती है। When he takes a high jump in Purushartha. इसलिए मुरली में बोला भी है कि ऐसे जंप लगाकर बैल पर सवार होते होंगे। This is why it is also said in the Murli, he would be taking a jump and riding the bull. वास्तव में शंकर में शिव की प्रवेशता होती है। In reality, Shiv enters Shankar. और शंकर बैल पर सवारी करता है। And Shankar rides the bull. परंतु सवारी तब ही कर सकता है जब संपन्न स्टेज हो। But he can ride it only when he has the complete stage. बाप कहते हैं। The father says. कि ये तो बैल नहीं है, ये तो गऊ है। He isn't a bull, he is a cow. कौन? Who? ब्रह्मा। ब्रह्मा। गौ जैसा स्वभाव संस्कार है। He has the nature and संस्कार्स like that of a cow. हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को adopt करती है। Yes, I adopt you children through Prajapita Brahma. तो समझो कि ये माता पिता हैं। कौन? So consider that these are the mother and the father. Who? Brahma mata aur Prajapita pita. Brahma is the mother and Prajapita is the father. Us baap ke bacche tum sabhi brothers ho. All of you, the children of that father, are brothers for each other. Varsha le rahe ho. You are taking the inheritance. Parantu deh mein aane se प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। बट वेन यू कम इन अ बॉडी यू आर द चिल्ड्रन ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, दैट इज प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारीज। तो प्रजापिता है ना? सो ही इज प्रजापिता, इजंट ही? सिर्फ ब्रह्मा नहीं है। ही इजंट जस्ट ब्रह्मा। ब्रह्मा का अर्थ ही है बड़ी माँ। The very meaning of Brahma is the senior mother. बड़ी माँ है तो बड़े से बड़ा बाप भी चाहिए। So when there is the senior mother, the most senior father is also required. ये है great great grandfather. He is the great great grandfather. उन धर्म पिताओं को double great नहीं कहेंगे। Great माने महान। वो सिर्फ महान धर्म पिताएं हैं। Those religious fathers won't be called double great. Great means महान। They are just great religious fathers.
परंतु उन सब धर्म पिताओं से ग्रेट ये प्रजापिता है। बट दिस प्रजापिता इज द ग्रेटेस्ट ऑफ देम। इसको कहते हैं आदिदेव। ही इज कॉल्ड आदिदेव। शास्त्रों में भी इसका जिक्र है, तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। ही इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स, तुम आदिदेव पुरुष पुराण, मीनिंग यू आर द फर्स्ट डेटी एंड द फर्स्ट मैन। आदि वास्तव में संगम को ही कहा जाता है। एक्चुअली द कॉन्फ्लुएंस एज इटसेल्फ इज कॉल्ड द बिगिनिंग, दैट इज आदि। ये सृष्टि का आदि काल है। दिस इज द बिगिनिंग पीरियड ऑफ द वर्ल्ड। तुम भी अभी संगम पर बैठे हो, न तुम इधर कलयुगवासी हो और न तुम उधर सतयुगवासी हो। नई दुनिया का भी तुमको नहीं कहेंगे और पुरानी दुनिया का भी तुमको नहीं कहेंगे। यू आर ऑल्सो सिटिंग इन द कॉन्फ्लुएंस एज नाउ। यू आर नीदर द रेसिडेंट ऑफ द आयन एज हियर, नॉर आर यू द रेसिडेंट ऑफ द गोल्डन एज देयर। यू विल नीदर बी कॉल्ड ऑफ द न्यू वर्ल्ड नॉर ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। तो तुम बीच में हो। सो यू आर इन द मिडल। अभी तुम समझा सकते हो। नाउ यू कैन एक्सप्लेन कि कृष्ण ने जन्म कब लिया था। व्हेन कृष्ण वाज बोर्न। पूछो, मालूम है। आस्क देम, डू यू नो। कृष्ण ने कब जन्म लिया था। व्हेन वाज कृष्ण बोर्न। जरूर जन्म लिया होगा जबकि उनके पहले बाप आया होगा। ही वुड डेफिनेटली हैव बीन बोर्न व्हेन द फादर वुड हैव कम बिफोर हिम। क्योंकि कृष्ण तो बच्चा है। इट इज बिकॉज कृष्ण इज द चाइल्ड। बच्चे को जन्म देने वाला तो बाप ही चाहिए। एंड द फादर हु गिव्स बर्थ टू द चाइल्ड इज सर्टेनली रिक्वायर्ड। और कृष्ण साकार है। एंड कृष्ण इज कॉर्पोरियल। तो साकार को जन्म देने वाला भी साकार ही चाहिए। इसलिए बोला कि मैं जो राजयोग सिखाता हूँ उस राजयोग से तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। सो अ कॉर्पोरियल वन इज रिक्वायर्ड टू गिव बर्थ टू द कॉर्पोरियल वन। दिस इज व्हाई इट वाज सेड, आई मेक यू नारायण फ्रॉम अ मैन थ्रू द राजयोग दैट आई टीच। ये ब्रह्मा तो नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनते हैं। दिस ब्रह्मा डजंट बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन डायरेक्टली। क्या बनते हैं? नर से प्रिंस बनते हैं। व्हाट डज ही बिकम? ही बिकम्स प्रिंस फ्रॉम अ मैन। पहले प्रिंस बनेंगे फिर नारायण बनेंगे। फर्स्ट ही बिकम्स अ प्रिंस देन ही बिकम्स नारायण। तो जब प्रिंस बनेंगे तो इससे साबित होता है। सो व्हेन ही बिकम्स अ प्रिंस इट प्रूव्स कि जरूर इनका बाप विश्व का मालिक होना चाहिए। दैट इज फादर शुड डेफिनेटली बी द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। तब तो जन्म लिया है। इट इज देन दैट ही इज बोर्न। इसलिए बोला कि शिव बाप आते ही है संगम युग पर। दिस इज व्हाई इट वाज सेड The father ship comes in the confluence age itself. जब आते हैं तो कोई नर है जिसको नारायण बनाते हैं। When he comes, there is a man whom he makes into Narayan. तो बोलो ये कृष्ण प्रिंस कैसे बना? So tell them how this Krishna became a prince. जरूर पहले साहबजादा बना होगा। डेफिनेटली ही वुड हैव बिकम अ साहबजादा दैट इज चाइल्ड ऑफ द मास्टर फर्स्ट। जादा बच्चे को कहा जाता है। द चाइल्ड इज कॉल्ड जादा। साहब बाप को कहा जाता है। एंड द फादर इज कॉल्ड साहब। तो कृष्ण का बाप चाहिए। सो द फादर ऑफ कृष्ण इज रिक्वायर्ड। नई दुनिया में दैवी शाहजादे और शाहजादियां होते हैं। देर आर डिवाइन शाहजादे एंड शाहजादियां दैट इज प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस इन द न्यू वर्ल्ड।
तो ये समझाना कितना सहज है। सो इट इज सो इजी टू एक्सप्लेन इट। बाप भी कहते हैं तुम भी अपना ताकत अनुसार समझाते हो। द फादर ऑल्सो सेज यू एक्सप्लेन इट एज पर योर पोटेंशियल। और वो समझने वाले भी अपनी अपनी बुद्धि अनुसार समझते हैं। एंड दोज हु अंडरस्टैंड इट ऑल्सो अंडरस्टैंड एज पर द पोटेंशियल ऑफ द इंटेलेक्ट। समझने वाले कोटों में कोई है। देर आर फ्यू अमंग बिलियंस हु अंडरस्टैंड इट। बाकी न समझने वाले एज फॉर द रेस्ट दोज हु डोंट अंडरस्टैंड इट। या लास्ट में समझने वाले और दोज हु अंडरस्टैंड इट एट द एंड। वो प्रजा बनना तो बहुत सहज है। इट इज वेरी इजी टू बिकम दोज सब्जेक्ट्स। तो अभी तुम पुरुषार्थ करो, साहबजादे बनना हो तो पहले शाहजादे बनने का पुरुषार्थ करो। सो मेक पुरुषार्थ नाउ। इफ यू वॉन्ट टू बिकम साहबजादा मेक द पुरुषार्थ ऑफ बिकमिंग शाहजादा दैट इज प्रिंस फर्स्ट। कहते भी हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। यू ऑल्सो से वी विल बिकम सूर्यवंशी। क्योंकि जितने भी वंश हैं मनुष्य सृष्टि में उनमें सूर्यवंश सबसे पहला है। क्यों? क्योंकि भगवान आते हैं तो सूर्य को पहले ज्ञान देते हैं। इट इज बिकॉज सूर्यवंश इज द फर्स्ट ऑफ ऑल द डायनेस्टीज इन द ह्यूमन वर्ल्ड। व्हाई? इट इज बिकॉज When God comes, He gives the knowledge to the sun first. सूर्य से फिर सभी ग्रह उपग्रहों को ज्ञान मिलता है। Then all the planets and satellites receive knowledge from the sun. तो बाप कहते हैं बन करके दिखाओ। So the father says, prove yourself by becoming it. ऐसा सूर्यवंशी बनेंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। You need to make पुरुषार्थ to become such सूर्यवंशी। और चलन भी ऐसी चाहिए। एंड द कॉन्डक्ट शुड ऑल्सो बी लाइक दैट। चलन में फिर रात दिन का फर्क हो जाता है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन द कॉन्डक्ट। ज्ञान सूर्यवंशी बच्चे सूर्य की तरह ज्ञान की रोशनी देने वाले होंगे। चंद्रमा तो अंधेरे में उगता है। अच्छा, वास्तव में बच्चों के लिए एक ही अमृत डोज बस है। द नॉलेजेबल सूर्यवंशी चिल्ड्रन विल बी दोज हु गिव द लाइट ऑफ नॉलेज लाइक द सन। द मून हाउएवर राइजेस इन डार्कनेस। अच्छा, इन रियलिटी देयर इज ओनली वन डोज इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर फॉर द चिल्ड्रन। डोज के पिछाड़ी डोज, देयर इज डोज आफ्टर डोज। ये ज्ञान का डोज पिलाया जाता है। यू आर मेड टू ड्रिंक द डोज ऑफ नॉलेज। इसका नशा कितना होना चाहिए और अंदर में सच्चाई सफाई होनी चाहिए। यू शुड हैव सो मच इंटॉक्सिकेशन ऑफ इट एंड यू शुड बी ट्रू एंड क्लीन फ्रॉम विद इन। अगर सच्चाई सफाई नहीं होगी तो बहुत पछताना पड़ेगा। बाप कहते हैं जो भी पाप कर्म करते हो वो छोड़ते रहो। If you won't be true and clean from within, you will have to repent a lot. The father says, keep abandoning the sinful actions that you commit. जो अंदर में दिल को खाता हो, वो बाप के सामने बताते रहो। Whatever pinches your heart within, keep telling it to the father. बच्चों आदि को बल संभालो। You may sustain the children, etc. परंतु उनमें अपना ममत्व मत रखो। बट डोंट हैव अटैचमेंट फॉर देम। तुम्हें मालूम है कि अभी हमें घर जाना है। यू नो दैट यू हैव टू गो बैक होम नाउ। तो घर को याद करो। सो रिमेम्बर इट अलोन। घर में जाना है फिर स्वर्ग में जाना है। यू हैव टू गो होम एंड देन टू हेवन। शिव बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए यहाँ आकर के बैठा हुआ हूँ। शिव बाबा सेज आई एम सिटिंग हियर टू टेक यू बैक होम। तुमको शाहजादे शाहजादियाँ बनाकर मैं घर चला जाऊंगा।
आई विल गो बैक होम आफ्टर मेकिंग यू शाहजादे एंड शाहजादियां। तो समझ लो कि मेरा तो पार्ट ही अलग है। सो अंडरस्टैंड दैट माई पार्ट इट सेल्फ इज डिफरेंट। तुम आत्माओं का पार्ट अलग है। द पार्ट ऑफ यू सोल्स इज डिफरेंट। मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ। आई डोंट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। और तुम आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हो। हाउएवर यू सोल्स कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। जो चक्कर में आवे और जो चक्कर में ना आवे। चक्कर में आवे तो माला में भी आवे। द वन हु कम्स इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड द वन हु डजंट कम इन इट। इफ समवन कम्स इन द साइकिल ही शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द रोजरी। चक्कर में ना आवे तो माला में कैसे आवेगा। इफ ही डजंट कम इन द साइकिल हाउ विल ही बी इंक्लूडेड इन द रोजरी। हाँ, मुझे फूल के रूप में दिखाते हैं। यस दे शो मी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लावर। कोई मणके के रूप में नहीं दिखाते हैं। दे डोंट शो मी इन द फॉर्म ऑफ अ बीड। क्योंकि मैं जब इस दुनिया में आता हूँ, इट इज बिकॉज व्हेन आई कम टू दिस वर्ल्ड, तो फूल की तरह हल्का होकर के पार्ट बजाता हूँ। आई प्ले माई पार्ट बींग लाइट लाइक अ फ्लावर। ब्रह्मा के तन में आता हूँ। इवन व्हेन आई कम इन द बॉडी ऑफ ब्रह्मा, तो भी हल्की फुल्की आत्मा बनकर प्रवेश करता हूँ। आई एंटर बींग अ वेरी लाइट सोल। नहीं तो मनुष्य आत्माएं जब प्रवेश करती है तो मनुष्य कितने भारी हो जाते हैं। गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है तो गुलजार दादी हल्की रहती है या भारी हो जाती है। अदरवाइज when human souls enter someone they become so heavy. when the soul of brahma enters dadi gulzar does she stay light or become heavy? kitni bhari ho jati hai. she becomes so heavy. to main to sadaiv halka phulka phool hoon. so i am always a light flower. mere upar koi janm ka papon ka bojha nahi hai. i don't have the burden of sins of any birth accumulated on me. और हर 5-4 वर्ष बाद आकर तुम बच्चों को समझाता हूँ। एंड आई कम एंड एक्सप्लेन टू यू चिल्ड्रन आफ्टर एवरी 5,000 ईयर्स। आसुरी संप्रदाय ने फिर देखो क्या क्या गपोड़े लगाए दिए। लुक दोज बिलोंगिंग टू द डिमोनिक कम्युनिटी हैव मेड सच गॉसिप्स। ये भी ड्रामा है, उनका दोष नहीं है। इट इज ऑल्सो ड्रामा, इट इज इन देयर फॉल्ट। भक्ति मार्ग की सामग्री देखो कितनी ढेर है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है। लुक देयर इज सो मच पैराफिनेलिया इन द पाथ ऑफ भक्ति जस्ट लाइक द ट्री इज द एक्सपेंशन ऑफ द सीड। झाड़ कितना बड़ा होता है और बीज कितना छोटा होता है। द ट्री इज सो बिग एंड द सीड इज सो स्मॉल। मैं कितना छोटे झाड़ का फाउंडेशन लगाता हूँ। I lay the foundation of such a small tree. तो देखो ज्ञान का पसारा कुछ भी नहीं है। So look, there is no expansion of the tree of knowledge. और भक्ति का पसारा देखो कितना है। However, there is so much expansion of the tree of bhakti. भक्ति का कितना बड़ा झाड़ हो जाता है। The tree of bhakti expands so much. ज्ञान तो सारा सेकंड में बुद्धि में आता है। द एंटायर नॉलेज इमर्जेस इन द इंटेलेक्ट इन अ सेकंड। अभी बाप कहते हैं मैं खुद आया हुआ हूँ और इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही आता हूँ। नाउ द फादर सेज आई माई सेल्फ हैव कम एंड आई कम इन हिज वानप्रस्थ स्टेज इटसेल्फ। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। द वानप्रस्थ स्टेज इज आफ्टर 60 ईयर्स। पाप मिटाने वाला एक ही बाप है जिसे पतित पावन कहा जाता है। देयर इज ओनली वन फादर हु डिस्ट्रॉयज द सिंस ही इज कॉल्ड पतित पावन दैट इज
द प्यूरिफायर ऑफ द सिंफुल वंस। पतितों को पावन बनाने वाला, ही इज द वन हु प्यूरिफाइज द सिंफुल वंस। पतित शब्द पहले क्यों आता है? Why is the word पतित mentioned first? पावन बड़ा या पतित बड़ा? Is a pure one greater or a sinful one greater? है? पावन बड़ा? The pure one is greater. तो बड़ा पहले होना चाहिए या छोटा पहले होना चाहिए? है? बड़ा पहले होना चाहिए? पावन शब्द पहले होना चाहिए, फिर पतित को आगे क्यों रख दिया? So, should the greater one be first or the smaller one be first? The greater one should be first. The word pavan should be mentioned first. Then why was the word patit mentioned first? है? क्योंकि मैं जिसमें आता हूँ मुकर्रर रूप से वो ही पुरुषार्थ करके पहले पतित से पावन बनता है। इट इज बिकॉज द वन हुम आई एंटर परमानेंटली ही अलोन मेक्स पुरुषार्थ एंड बिकम्स प्योर फ्रॉम सिंफुल फर्स्ट। मेरे पतित और मेरे पावन बनने की तो बात है ही नहीं, और जो बनता है उसी का संसार में फिर गायन होता है। पतित पावन किसका नाम? सीताराम। There is no question of me becoming sinful or pure at all. And the one who becomes that, he alone is praised in the world as Patit Pavan. Whose name is it? Sita Ram. सिर्फ इस जन्म का विचार नहीं करो। Don't think just about this birth. जन्म जन्मांतर का बोझ तुम्हारे सिर पर है। The burden of many births is on your head. उस जन्म जन्मांतर के बोझ को सर पर उतारने के लिए पुरुषार्थ करो। इन ऑर्डर टू रिमूव इट फ्रॉम योर हेड मेक पुरुषार्थ। अच्छा, पति पवित्र नहीं रहने देता है। अच्छा, योर हस्बैंड डजंट लेट यू स्टे प्योर। तुमको छुट्टी नहीं देते हैं। ही डजंट गिव यू अ लीव। कोई बात नहीं, घर में बैठे मुरलियां पढ़ो। नेवर माइंड, read the murlis sitting at home. बाप को याद करो। Remember the father. घर बैठे भी तो जन्म जन्मांतर का पाप तुम भस्म कर सकती हो। You can burn the sins of your many births to ashes by sitting at home as well. समझ तो तुमको मिली है। You have definitely got the wisdom. कि जन्म जन्मांतर का बोझ हम कैसे उतारे? How you should remove the burden of many births. अब सिवाय याद की यात्रा के वो जन्म जन्मांतर का पापों का बोझ तो भस्म हो नहीं सकता। नाउ द बर्डन ऑफ सिंस ऑफ मेनी बर्थ्स कांट बी बर्न टू एशेस एक्सेप्ट थ्रू द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। इसलिए बाप कहते हैं माँ मेरे कम याद करो। दिस इज व्हाई द फादर सेज रिमेम्बर मी अलोन। तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। देन आई गारंटी that your sins of many births will be burned to ashes. एक ही मंत्र काफी है। Only one mantra is sufficient. बाप को याद करना और स्वदर्शन चक्रधारी बनना। Remember the father and become स्वदर्शन चक्रधारी। इस समय। At this time. इस समय। Which time? संगम युग के समय और उसमें भी पुरुषोत्तम संगम युग के समय तो पाप करने से बहुत डरना चाहिए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज एंड इवन इन इट एस्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज यू शुड बी वेरी अफ्रेड ऑफ कमिटिंग सिंस। नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता है। अदरवाइज यू रिसीव 100 times पनिशमेंट। सारी की कमाई चट्ट हो जाती है। यू लूज योर एंटायर अर्निंग। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी साहब और साहबजादों का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, रिमेम्बरेंस लव गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते ऑफ द स्पिरिचुअल साहब एंड द साहबजादे टू द स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। आज की वाणी है
4 अगस्त 1968। टुडेस वाणी इज डेटेड 4 अगस्त 1968। शिव भगवान वाच। शिव भगवान वाच। बच्चों को समझाया है ऊंचे ते ऊंचे है भगवान। चिल्ड्रन हैव बीन एक्सप्लेन्ड दैट गॉड इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई। ऊंचे ते ऊंचे द हाईएस्ट ऑफ द हाई। ऊंचे ते ऊंचे की बात कहाँ आती है? द टॉपिक ऑफ बीइंग द हाईएस्ट ऑफ द हाई इज ऑफ विच प्लेस? इस दुनिया में आती है या परमधाम में आती है? इज इट ऑफ दिस वर्ल्ड और द सुप्रीम अबोर्ड? परमधाम में तो ऊंचे और नीचे का सवाल होता ही नहीं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग हाई और लो इन द सुप्रीम अबोर्ड एट ऑल। इस दुनिया में ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे कर्म करने वाले होते हैं। देयर आर दोज हु परफॉर्म द हाईएस्ट ऑफ द हाई एंड द लोएस्ट ऑफ द लो डीड्स इन दिस वर्ल्ड। उन कर्म करने वालों में भगवान की गिनती है या नहीं है? इज गॉड इंक्लूडेड अमंग दोज हु परफॉर्म डीड्स और नॉट? वो करता है या अकर्ता है? इज ही करता और अकर्ता? वो तो कोई कर्म करता ही नहीं है। अच्छा, ज्ञान सुनाता है कि नहीं सुनाता है? ही डेफिनेटली डजंट परफॉर्म एनी एक्शन। अच्छा, डज ही नरेट नॉलेज और नॉट? है तो ज्ञान सुनाना ये कर्म नहीं है? स्टूडेंट्स ही डज, सो इजंट नरेटिंग नॉलेज एन एक्शन? है ये भी तो कर्म है। इट इज ऑल्सो एन एक्शन। ज्ञान भी सुनाता है, तुम बच्चों के संसर्ग संपर्क में भी आता है, संबंध में भी आता है। ही नरेट्स द नॉलेज एंड ऑल्सो कम्स इन द कॉन्टेक्ट कनेक्शन एंड रिलेशन विथ योर चिल्ड्रन। भगवान से संबंध नहीं जोड़ते क्या? डोंट यू फॉर्म अ रिलेशनशिप विथ गॉड? जोड़ते हैं ना? यू डू, डोंट यू? तो संबंध में आने के लिए कर्म में भी तो आना पड़े ना? तो भगवान कर्म करता नहीं है क्या? सो ही डज हैव टू परफॉर्म एक्शंस इन ऑर्डर टू कम इन रिलेशनशिप, डजंट ही? सो डजंट गॉड परफॉर्म एक्शंस? है वास्तव में भगवान कहा जाता है जो सबसे ज्यादा भाग्यवान हो। In reality, the one who is the most fortunate, that is Bhagyavan, is called God, that is Bhagwan. क्या? What? जिससे ज्यादा भाग्यवान हो इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। No one can be more fortunate than him in this world. और शिव सुप्रीम सोल, उसको भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली कहे? Can Shiv Supreme Soul be called fortunate or unfortunate? कहे? कैन ही बी? है नहीं कह सकते? ही कांट। वो तो ना भाग्यशाली बनता है और ना दुर्भाग्यशाली बनता है। ही नीदर बिकम्स फॉर्चुनेट नॉर डज ही बिकम अनफॉर्चुनेट। तो कौन बनता है सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और सबसे ज्यादा भाग्यशाली? सो हु बिकम्स द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड द मोस्ट फॉर्चुनेट? जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है वो ही तनधारी इस दुनिया का प्रवेश होने से पहले सबसे जास्ती दुर्भाग्यशाली। द बॉडी विच ही एंटर्स परमानेंटली ही अलोन इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट वन इन दिस वर्ल्ड बिफोर हिज एंट्रेंस। और प्रवेश होने के बाद पुरुषार्थ संपूर्ण होने पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली बनते हैं। And when he enters him and his purushartha becomes complete, he becomes the most fortunate one. उसके द्वारा ही परम पिता परमात्मा से भी संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। The supreme father, supreme soul, Shiva is revealed through him alone in this world. इसलिए बोला कि वो है ऊंचे ते ऊंचे भगवान। This is why it was said, he is the highest of the high god. उनका नाम शिव क्यों पड़ता है? Why is he named Shiv? शिव माने क्या? Shiv means what? कल्याणकारी। Beneficial। तो बिंदी रूप में क्या फुदक फुदक के कल्याण करता है? Does he jump in the point form and bring benefit to others? है? नहीं करता। He doesn't। वो बिंदु जिस स्वरूप में प्रवेश करता है,
द एम्बॉडीमेंट इन विच दैट पॉइंट एंटर्स. वो स्वरूपधारी जब बिंदु रूप बन जाता है, निराकारी स्टेज धारण कर लेता है, शिव समान स्टेज को धारण करता है, जिसके कारण भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया जाता है. When he becomes a point form, when he attains the incorporeal stage, the stage equal to Shiv, because of which Shiv and Shankar are combined and made one in the path of bhakti. इसलिए उनका नाम शिव कहा जाता है. This is why he is named Shiv. कल्याणकारी. That is beneficial. नहीं तो परम धाम में कल्याण की कोई बात होती नहीं. Otherwise, there is no question of bringing benefit to others in the supreme abode. जो भी कार्य करता है, जो भी इंद्रियों से कार्य करता है, कल्याणकारी ही पार्ट साबित होता है. No matter what action he performs through which indriya, his part just proves to be beneficial. तो ये बात बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं. So the father sits and explains it to the children. सिवाय बच्चों के बाप को तो कोई जान भी नहीं सकता. No one can recognize the father except the children at all. जानवर तो जानेंगे नहीं. The animals won't recognize him. बैल जानता है. Does a bull recognize him? है? बैल तो बाप को नहीं जानता. It certainly doesn't. इसलिए जानवर दिखाया गया है. This is why it has been shown as an animal. कीट पशु पक्षी पतंगे इनकी तो बात ही नहीं. There is no question of the insects, animals, birds and moths recognizing him. हाँ, मनुष्य जो है वो मन बुद्धि वाला प्राणी होता है, इसलिए वो भगवान बाप को पहचान सकता है. Yes, human being is the one with a mind and an intellect. This is why he can recognize God the Father. तो मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ मनुष्य है. So even among the human beings, the elevated human being, जिसे मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता कहा जाता है, who is called Prajapita of the human world, मैं उसमें प्रवेश करता हूँ. I enter him. और उसके द्वारा तुम बच्चे मुझे बाप को पहचानते हो. And you children recognize me, the father, through him. बच्चों को ये भी समझाना है कि बरोबर अभी पुरुषोत्तम संगम युग है. He also has to explain to the children, this is certainly the Purushottam conference age now. क्यों? Why? बरोबर शब्द क्यों? Why was the word certainly mentioned? इसलिए है कि यही एक टाइम ऐसा है जबकि दुनिया में 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है, उनके अपने अपने पार्ट प्रत्यक्ष होते हैं. इट इज बिकॉज दिस इज द ओनली टाइम व्हेन द पार्ट्स ऑफ द 5 बिलियन ह्यूमन सोल्स आर रिवील्ड इन द वर्ल्ड. उनमें कौन कौन सबसे उत्तम है ये भी जानकारी इस समय होती है. यू ऑल्सो कम टू नो दिस नाउ, हु आर द बेस्ट अमंग देम. जैसे बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपन को आत्मा समझो. जस्ट लाइक द फादर सेज अगेन एंड अगेन, कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल. तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए. सो द चिल्ड्रन शुड फॉलो इट. ये तुम्हारी तपस्या है. दिस इज योर तपस्या. क्या? वॉट? वो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो उल्टे लटक जाते हैं. When those sages and saints do tapasya, they hang upside down. एक पांव पर खड़े हो जाते हैं. दे स्टैंड ऑन वन लेग. बाप कहते हैं ऐसी कोई तुम्हारी तपस्या शरीर की तपस्या नहीं है, क्या तपस्या है? द फादर सेज यू डोंट हैव एनी ऑफ सच तपस्या. यू डोंट हैव द तपस्या ऑफ द बॉडी. देह को भूल जाओ और अपन को आत्मा समझो, यही तुम्हारी तपस्या है. वॉट इज योर तपस्या? Forget the body and consider yourself as a soul. This itself is your tapasya. वैसे ये भी निश्चय रखो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं. As such, you should also have this faith. We are the confluence age Brahmins. अभी हम कलयुग में नहीं बैठे हैं. कहाँ बैठे हैं? हम संगम युग में बैठे हैं.
नाउ वी आर एंड सिटिंग इन द आयरन एज. वेयर आर वी सिटिंग? वी आर सिटिंग इन द कॉन्फ्लुएंस एज. संगम युग के बाद जरूर सतयुग आना है. द गोल्डन एज डेफिनेटली हैज टू कम आफ्टर द कॉन्फ्लुएंस एज. बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ संगम पर. द फादर सेज आई ऑल्सो कम इन द कॉन्फ्लुएंस एज. जबकि दुनिया चेंज करनी होती है. When I have to change the world. नई दुनिया स्थापन करके फिर पुरानी दुनिया का विनाश करता हूँ. I establish the new world and then destroy the old world. पहले अक्षर स्थापना का कहना है. You should mention the word establishment first. क्या? What? ऐसे नहीं कि पहले विनाश होगा फिर नई दुनिया स्थापन होगी. नहीं. It isn't that there is destruction first and then the new world will be established. No. पहले नई दुनिया की स्थापना फिर पुरानी दुनिया का विनाश. First the new world is established, then the old world is destroyed. स्थापना के पहले विनाश नहीं कहना है. You shouldn't mention destruction before establishment. है? अभी स्थापना कहे या विनाश कहे? Should you call it the establishment or destruction now? क्या कहे? What should you call it? स्थापना हुई. Did establishment take place? है? हो रही है. और विनाश? Students, it is taking place. It is taking place. And what about destruction? विनाश हुआ. Did it take place? हो रहा है. ऐसे तो विनाश होता ही चला आया 2500 साल से. Students, it is taking place. It is taking place. As such, destruction continued to take place for 2500 years. 2500 साल से भी तो ऐसा ही विनाश होता चला आया. Such destruction continued to take place for 2500 years too. अंतिम महाविनाश कहे? Should it be called the last great destruction? नहीं कह सकते. It can't be. तो अंतिम स्थापना कहे? So should it be called the final establishment? स्थापना भी नहीं कह सकते. It can't be called the final establishment either. तो बताया पहले स्थापना होती है फिर विनाश होता. अगर पहले कहे ब्राह्मण धर्म की स्थापना. So it was said, first there is establishment of the new world, then there is destruction. If you say there is the establishment of the Brahmin religion first. तो ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना अगर पहले होती है ब्रह्मा द्वारा तो विनाश भी किसका होगा? इफ द ब्राह्मिन वर्ल्ड इज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट थ्रू ब्रह्मा, हु विल बी डिस्ट्रॉयड? ब्राह्मणों का ही विनाश होगा. द ब्राह्मिन्स देमसेल्व्स विल बी डिस्ट्रॉयड. तो ब्राह्मणों की स्थापना और विनाश कहे या न कहे? सो शुड यू कॉल द एस्टेब्लिशमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्राह्मिन्स और नॉट? है कहे? शुड यू? ब्राह्मणों की स्थापना हुई. Did the establishment, that is creation of the Brahmins, take place? नहीं हुई. It didn't. ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई हुई हैं. 9 categories of Brahmins are praised. 9 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं. उनकी स्थापना ब्राह्मणों की दुनिया में हुई या नहीं हुई? There are 9 kinds of Brahmins. Did the establishment take place in the Brahmin world or not? Students, it is taking place. हो रही है. अभी हुई नहीं. इट इज टेकिंग प्लेस. हैजंट इट टेकन प्लेस येट? अभी नास्तिक ब्राह्मण नहीं है. आर इन द एथिस्ट ब्राह्मिन्स नाउ? ब्राह्मणों में नास्तिक भी है. देर आर इवन एथिस्ट अमंग द ब्राह्मिन्स. ब्राह्मणों में दल बदलू नहीं है. आर्य समाजियों की तरह. आर इन देर सच वंस अमंग द ब्राह्मिन्स हु चेंज देयर पार्टीज लाइक द आर्य समाजीज? दल बदलू भी है. ब्राह्मणों में लोभ ही नहीं है. There aren't there greedy souls among the Brahmins? लोभी भी है. मारकाट मचाने वाले? There are who cause bloodshed. सब तरह के ब्राह्मण जो 9 कुरियां गाई हुई है वो ब्राह्मणों में मौजूद है. All kinds of Brahmins, that is the 9 categories that are praised, are present among the Brahmins. तो कहेंगे ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई कब तक? सो इट विल बी सेड दैट द ब्राह्मण रिलीजन वॉज एस्टेब्लिश्ड.
अंटिल व्हेन? किसके द्वारा? थ्रू हुम? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। द ब्राह्मण रिलीजन वॉज एस्टेब्लिश थ्रू ब्रह्मा। तो जो स्थापना हो गई तो विनाश भी शुरू हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? है? सो व्हेन इट वॉज एस्टेब्लिश्ड वुड द डिस्ट्रक्शन ऑल्सो हैव स्टार्टेड और नॉट? हुआ होगा। कब से? इट वुड हैव। फ्रॉम व्हेन? कहेंगे कि जो फर्स्ट ब्रह्म है, आदि ब्रह्म है। इट विल बी सेड द फर्स्ट ब्रह्मा नेमली आदि ब्रह्मा। आदि ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है, तो स्थापना के बाद फिर आसुरी जो ब्राह्मण है, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे, उन ब्राह्मणों का विनाश भी शुरू होता है। इफ द ब्राह्मण रिलीजन इज एस्टेब्लिश थ्रू आदि ब्रह्मा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डिमोनिक ब्राह्मण्स लाइक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ ऑल्सो स्टार्ट्स आफ्टर इट। जिसके लिए मुरलियों में घोषणा की गई थी। फॉर दैट इट वॉज डिक्लेयर्ड इन द मुरली। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होने हो जाएगी। देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड। कौन से सन के लिए घोषणा थी? दिस डिक्लेरेशन वॉज फॉर विच ईयर? 76 के लिए घोषणा थी। इट वॉज फॉर द ईयर 1976। तो 76 में ब्राह्मणों की नौ कुलियों की स्थापना हुई। नाइन कैटेगरीज ऑफ ब्राह्मण्स वर एस्टेब्लिश्ड इन 1976। और विनाश भी शुरू हुआ। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑल्सो स्टार्टेड। ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन शुरू हो गया। देयर वॉज डिसइंटीग्रेशन इन द ब्राह्मण वर्ल्ड। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि विनाश संपन्न हो गया। यस, इट वोंट बी सेड दैट द डिस्ट्रक्शन वॉज ओवर। तो अक्षर हमेशा करेक्ट बताने चाहिए। बाप ने समझाया है, सो यू शुड ऑलवेज यूज द करेक्ट वर्ड्स। द फादर हैज एक्सप्लेन्ड। तीन मते हैं। देयर आर थ्री डायरेक्शंस। है? कौन कौन सी तीन मते? विच थ्री डायरेक्शंस? याद है किसी को? डज एनीवन रिमेम्बर देम? हाँ, मनुष्य मत है, दैवी मत। स्टूडेंट रिप्लाइज, यस, ह्यूमन डायरेक्शंस, डिवाइन डायरेक्शन। मनुष्यों की मत आसुरी मत होती है। स्टूडेंट्स, द डिमोनिक डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इटसेल्फ इज डिमोनिक। ईश्वरीय मत जो असली हमें धारण करनी है वो तो भूल ही गए। स्टूडेंट्स, द ईश्वरीय डायरेक्शन, द ईश्वरीय डायरेक्शन, यू कम्प्लीटली फॉरगॉट व्हाट यू एक्चुअली हैव टू फॉलो। ईश्वरीय मत, दैवी मत और आसुरी मत कहो, मनुष्य मत कहो। द ईश्वरीय डायरेक्शन, द डिवाइन डायरेक्शन, द डिमोनिक डायरेक्शन और कॉल इट द ह्यूमन डायरेक्शन। तो मनुष्य का मत को मानव मत कहते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड द ह्यूमन डायरेक्शन। कोई अपनी नई संस्था स्थापन कर देते हैं तो कहेंगे मानव मत की स्थापना हुई। इफ समवन एस्टेब्लिशेस अ न्यू इंस्टीट्यूशन ऑफ हिज ओन, इट विल बी सेड दैट ह्यूमन ओपिनियन वॉज एस्टेब्लिश्ड। क्या? वॉट? यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इज द सेम थिंग हैपनिंग हियर इन द ब्राह्मण वर्ल्ड एज वेल और नॉट? क्या? वॉट? कि ईश्वरीय मत भी चल रही है और साथ साथ में जो ईश्वरीय मत लेने वाले हैं उनमें से ऐसे ग्रुप भी निकल रहे हैं जो अपनी अपनी मत से अपना अलग संगठन स्थापन कर देते हैं। द ईश्वरीय डायरेक्शन प्रिवेल्स एंड अलोंग विथ इट सच ग्रुप्स आर ऑल्सो इमर्जिंग फ्रॉम अमंग दोस हु टेक द ईश्वरीय डायरेक्शन एंड एस्टेब्लिश द सेपरेट गैदरिंग ऑन द इंडिविजुअल ओपिनियन। उन्हों को ये पता नहीं है कि मानव और मनुष्य मत एक ही है। दे डोंट नो दैट मानव एंड मनुष्य ओपिनियन इज द सेम। मानव मत की संस्थाएं होती हैं।
तो अभी स्थापन हो रही है। देर आर इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ऑन ह्यूमन ओपिनियंस विच आर बीइंग एस्टेब्लिश्ड नाउ। मनुष्यों को तो सभी को मनुष्य ही कहेंगे। ऑल ह्यूमन बींग्स विल डेफिनेटली बी कॉल्ड ह्यूमन बींग्स। क्यों? Why? क्योंकि मनुष्य जो है वो मन के अनुसार चलता है या बुद्धि के अनुसार चलता है। इट इज बिकॉज डज अ ह्यूमन बींग वर्क अकॉर्डिंग टू हिज माइंड और हिज इंटेलेक्ट। मनुष्य की होगी मनमत। ह्यूमन बींग्स विल हैव द ओपिनियन ऑफ देयर माइंड। और जो बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है उसकी मत बुद्धिमत्ता पूर्ण होगी। एंड गॉड द इंटेलेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंट वंस हिज डायरेक्शन विल बी फुल ऑफ इंटेलिजेंस। मनुष्य मत को कहा जाता है आसुरी मत। ह्यूमन डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिमोनिक डायरेक्शन। क्यों? वाई? क्योंकि रावण राज्य है। इट इज बिकॉज इट इज द किंगडम ऑफ रावण। और ये रावण राज्य सारी सृष्टि पर है। एंड इट एग्जिस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। रावण मत को ही कहा जाता है भ्रष्ट मत। द डायरेक्शन ऑफ रावण इटसेल्फ इज कॉल्ड द करप्ट डायरेक्शन। क्योंकि मनुष्य जितने भी होते हैं सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, विकार से पैदा होते हैं। इट इज बिकॉज ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न थ्रू करप्शन वाइसेस। भ्रष्ट इंद्रियों के आचरण को भ्रष्टाचार कहा जाता है। द कॉन्डक्ट ऑफ द करप्ट इंद्रिया इज कॉल्ड करप्शन। वहां नई दुनिया में होगी दैवी मत, निर्विकारी मत। देर विल बी डिवाइन एंड वाइसलेस डायरेक्शन देर इन द न्यू वर्ल्ड। उनको श्रेष्ठ मत कहेंगे। इट विल बी कॉल्ड एन एलिवेटेड डायरेक्शन। इनको भ्रष्ट मत कहेंगे। दिस विल बी कॉल्ड करप्ट डायरेक्शन। तो ये अक्षर अच्छी रीति याद करने हैं। सो यू शुड रिमेम्बर दीज वर्ड्स नाइसली। ये बातें तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स दीज फैक्ट्स टू यू चिल्ड्रन। कि ये है ईश्वरीय मत और वो है मानव मत अथवा आसुरी मत। दिस इज द ईश्वरीय डायरेक्शन एंड दैट इज द ह्यूमन डायरेक्शन और द डिमोनिक डायरेक्शन। ये रुद्र ज्ञानी यज्ञ है। दिस इज द यज्ञ ऑफ द नॉलेज ऑफ रुद्र। तो इसको रुद्र मत भी कह सकते हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ रुद्र। है रुद्र मत कह सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ रुद्र। रुद्र मत कहे या शिव मत कहे। Should it be called the direction of Rudra or the direction of Shiv? Shiv mat kyun nahi? Students reply, why not the direction of Shiv? Hai? Shiv gyani yagya kyun nahi kaha gaya? Why wasn't it called Shiv's yagya of knowledge? Brahma gyani yagya kyun nahi kaha gaya? Why wasn't it called Brahma's yagya of knowledge? विष्णु ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहा गया? नारायण ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ क्यों नहीं कहा गया? Why wasn't it called Vishnu's yagya of knowledge? Why wasn't it called Narayan's yagya of knowledge or Krishna's yagya of knowledge? क्या कहा जाता है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्यों? What is it called? Rudra's yagya of knowledge. Why? क्योंकि it is because जब से स्थापना हुई तो स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। Ever since the establishment took place, the flame of destruction also ignited from the यज्ञ कुंड along with the establishment. इसलिए इसका नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। This is why its name is Rudra's Yagya of Knowledge. शिव मत कह सकते हो। You may call it the direction of Shiv. परंतु शिव तो बिंदी का नाम है। बट शिव इज द नेम ऑफ द पॉइंट। क्या? वॉट? रुद्र साकार का नाम है या बिंदी का नाम है? इज रुद्र द नेम ऑफ द कॉर्पोरियल वन और द पॉइंट? रुद्र तो रौद्र रूप धारण करने वाले का नाम है और शिव
बिंदी का नाम है। रुद्र इज द नेम ऑफ द वन हु टेक्स ऑन अ फियरसम फॉर्म, दैट इज रुद्र रूप, एंड शिव इज द नेम ऑफ द पॉइंट। मेरी आत्मा का नाम शिव है। द नेम ऑफ माई सोल इज शिव। और कोई नहीं है ऐसा जिसकी आत्मा का नाम हो। देर इज नो वन एल्स हु हैज अ नेम ऑफ हिज सोल। सबके शरीरों पर नाम पड़ते हैं और मेरा नाम आत्मा के ऊपर है। एवरीवन इज नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी, बट माई नेम इज बेस्ड ऑन माई सोल। क्यों? वाई? क्योंकि मैं एक ही ऐसी आत्मा हूँ जो शरीरों में प्रवेश भल करता हूँ, परंतु फिर भी आत्मिक स्थिति में ही रहता हूँ, कभी भी देह भान में नहीं आता हूँ। इट इज बिकॉज आई एम द ओनली सोल हु डज एंटर बॉडीज, नेवर द लेस आई जस्ट स्टे इन द सोल कॉन्शियस स्टेज, आई नेवर बिकम बॉडी कॉन्शियस। तुम कहते हो हे भगवान उवाच, यू से भगवान उवाच, तो भगवान को जानना चाहिए ना। सो यू शुड रिकॉग्नाइज गॉड, शुडंट यू। बाप आत्माओं को अपना परिचय देते हैं। द फादर गिव्स हिज इंट्रोडक्शन टू द सोल्स। बाप के सिवाय आत्माओं को अपना परिचय कोई दे ही नहीं सकता। No one except the father can give his introduction to the souls. क्योंकि भगवान जानते हैं। It is because God knows. कि मुझे कोई भी मनुष्य नहीं जानते। No human being knows me. 63 जन्मों में भगवान को जानने का ढोंग भले करते रहे हो। They might have been pretending to know God in the 63 births. लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानते। But no one actually knows me. तो तुम ही अभी ईश्वरीय संप्रदाय हो। सो यू अलोन बिलोंग टू द ईश्वरीय कम्युनिटी नाउ। तो जरूर बाप को जानते होंगे। यू वुड नो द फादर। तुम्हारी दैवी मत अभी बन रही है। योर डायरेक्शंस आर बिकमिंग डिवाइन नाउ। ईश्वरीय मत और दैवी मत। The ईश्वरी डायरेक्शन एंड द डिवाइन डायरेक्शन, दोनों से बड़ी मत कौन सी है? Which is greater between both? ये तो समझते हो। You do understand? सतयुग में होगी देवता मत। There will be the direction of the deities in the golden age. यहाँ कलयुग में है मानव मत। There is human direction here in the iron age. अभी मनुष्य मत को दैवी मत किसने बनाया? Now, who made the human direction into divine direction? कहेंगे बाप ने। It will be said the father. उस बाप को ही भगवान कहा जाता है। That father himself is called God. शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। The direction of शिव बाबा is elevated. देवताओं की है श्रेष्ठ मत। Deities have elevated direction. फिर मनुष्यों की है भ्रष्ट मत। And human beings have corrupt direction. क्यों? Why? है? क्यों भ्रष्ट मत है? Why is it corrupt? क्योंकि मनुष्यों का जो मन है वो चंचल है या स्थिर है? It is because is the mind of the human beings inconstant or constant? चंचल मन है। It is inconstant. इसलिए उनकी भ्रष्ट मत है। This is why their direction is corrupt. वो शिष्टाचारी निर्विकारी नहीं कहेंगे। It won't be called the righteous and viceless direction. ये निर्विकारी श्रेष्ठ मत निराकारी किसने दी? Who gave this viceless and elevated direction? बाप ईश्वर ने दी। God the Father. तो तुम तीन मतों के ऊपर भी समझा सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन द थ्री काइंड्स ऑफ डायरेक्शंस। यहाँ इस दुनिया में तो सभी मनुष्य ही मनुष्य हैं। ऑल आर सर्टेनली ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड। न कोई देवता है और न कोई भगवान है। नो वन इज ईदर अ डेटी और गॉड। कोई हो इफ देयर इज समवन,
तो छाती ठोक करके आवे बतावे कि मैं भगवान हूँ। He should come and proclaim publicly that he is God. कोई कहेगा कि मैं भगवान हूँ? Will anyone say he is God? है? अगर कोई कहे कि मैं भगवान हूँ, If someone says he is God, तो बाप कहेंगे तुम भगवान नहीं, कौन हो? हिरण्यकश्यप। The father will say you aren't God. What are you? You are Hiranyakashyap. कलयुग में होते हैं मनुष्य। There are human beings in the Iron Age. मनुष्यों की मत आसुरी मत होती है। लड़ना झगड़ना उनको आसुरी मत कहा जाता है। The directions of human beings are demonic directions. To fight and quarrel is called demonic direction. ईश्वरीय मत को तो कोई जानते ही नहीं है। No one definitely knows the ईश्वरीय direction at all. बाप को भूलने से आसुरी मत हो जाती है। You forget the father and it becomes the demonic direction. क्या? What? क्या समझे? कि अगर ब्राह्मण भी घर में लड़ते झगड़ते हैं, तो कौन सी मत के हो गए? आसुरी मत के हो गए। What did you understand? If the Brahmins also fight and quarrel at home, they are following which direction? They are those who follow the demonic direction. ये बात सदैव याद रखना चाहिए। You should always remember this. अपन से पूछना चाहिए घड़ी घड़ी, हम आसुरी मत के हैं, रावण मत पर हैं, या ईश्वरी मत पर हैं? You should ask yourself again and again. Am I the one who follows the demonic direction? Am I following the direction of Ravan or the direction of God? जब तक फाइनल देवी मत हो जाए, तब तक कहेंगे मिक्सचर है। Until your directions finally become divine, it will be said that there is a mixture of human and ishvari directions. क्या? What? क्या है? What is it? मिक्सचर है। There is a mixture of directions. ईश्वरीय मत का नहीं कहेंगे, तो अपने से पूछना चाहिए। You won't be said to be the one who follows the divine direction. So you should ask yourself. कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है? Do I have any demonic trait? लड़ते झगड़ते तो नहीं है? Do I fight and quarrel? मेरे में क्रोध का भूत तो नहीं आता है? Does the ghost of anger enter me? अगर क्रोध है तो मनुष्य आसुरी मत का हो गया। If someone has anger in him, he is the one following demonic direction. ईश्वरीय मत नहीं ठहरे। He isn't the one following the ईश्वरीय direction. फिर वह दैवी मत जल्दी बन नहीं सकते। कौन? Then he can't become the one following the divine direction soon. Who? कौन नहीं बन सकते जल्दी दैवी मत? Who can't become that soon? जिनको क्रोध आता है। Those who become angry. अगर अब तक भी क्रोध आता है, If you become angry even now, तो समझें कि हम जल्दी दैवी मत बनने वाले बन नहीं सकते। You should understand that you can't become the one following the divine direction soon. क्योंकि उस समय भूत की प्रवेशता हो जाती है। It is because there is the entrance of ghost at that time. किस समय? At which time? जिस समय क्रोध आता है। When you become angry. देवान है अब्बल नंबर भूत। Body consciousness is the number one ghost. देह अभिमान होने से ही काम क्रोध लोभ मोह आदि भूत प्रवेश करते हैं। It is because of having body consciousness that the ghosts like the vice of lust, anger, greed, attachment, etc. enter you. ये है भूतों की दुनिया। It is certainly the world of ghosts. आसुरी दुनिया है। The demonic world. और सभी में पांच भूतों की प्रवेशता है। There is the entrance of the five ghosts in everyone. क्या? What? कोई अगर बैठा हो ऐसा कि मेरे में पांच भूतों की प्रवेशता नहीं है, तो हाथ उठाए। If there is someone sitting here who thinks there isn't the entrance of the five ghosts in him, raise your hand. है? कोई हाथ उठाएगा? Will anyone raise his hand?
कोई हाथ नहीं उठाएगा, सब सच्चे बैठे हुए। नो वन विल, एवरीवन सिटिंग हियर इज ट्रू। किसी मनुष्य की पूजा करना गोया पांच भूतों की पूजा करना। टू वर्शिप अ ह्यूमन बीइंग इज टू वर्शिप द फाइव गोस्ट्स। क्या कहा? व्हाट वाज सेड? कोई मनुष्य की अगर पूजा की तो किसकी पूजा की? इफ यू वर्शिप द ह्यूमन बीइंग होम डिड यू वर्शिप? पांच भूतों की पूजा करना। यू वर्शिप द फाइव गोस्ट्स। गुरुओं की भी पूजा करते हैं ना? पीपल वर्शिप गुरुज टू, डोंट दे? इसको कहेंगे भूत पूजा। इट विल बी कॉल्ड द वर्शिप ऑफ गोस्ट्स। वहाँ ये भूत पूजा होती नहीं है। कहाँ? इट डजंट टेक प्लेस देयर। वेयर? है सतयुग में। क्यों? इन द गोल्डन एज। बाय? देवताओं के बच्चे अपने माँ बाप देवताओं के लंगोट अंगोट साफ नहीं करते होंगे? Won't the children of the deities wash the lion clothes etc. of their parents? है? कपड़े नहीं साफ करेंगे? Won't they wash their clothes? करते हैं? Do they? है? वहाँ ये भूत पूजा नहीं होती। Student, Baba, in fact there are no clothes there. There is in the worship of ghosts there. बाप भी ये भूत पूजा करने के लिए मना करते हैं। अपने कपड़े अपने आप धोना चाहिए। The father also forbids to worship ghosts. You should wash your clothes on your own. तुम ब्राह्मण कुलवंशी हो फिर देवता जन्म में आते हो। You belong to the Brahmin clan. Then you have birth as a deity. तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल है। Your Brahmin clan is the most elevated. सर्वोत्तम कुल? It is the most elevated clan. ब्राह्मणों की नौकरियां नहीं है? Aren't there 9 categories of Brahmins? है? तो सर्वोत्तम कुल कैसे हुआ? So how is it the most elevated clan? माना असली ब्राह्मण वही है जो नौकरियों में सबसे उत्तम कहा जाता है। It means the one who is called the best among the 9 categories is the real Brahmin. जबकि तुमको नॉलेज मिलती है। Whereas you receive the knowledge. क्या? What? तुम्हारे अंदर से ज्ञान उगरने लगता है, मनन चिंतन मंथन में बुद्धि लग जाती है, नई नई बातें बुद्धि से निकलने लगती है। You start ruminating the knowledge within. The intellect becomes engaged in thinking and churning. New points start emerging in the intellect. अभी तुम समझते हो देवताओं में दैवी गुण होते हैं। Now you understand that there are divine virtues in the deities. अगर तुम यहाँ दैवी गुण न धारण करेंगे, If you don't assimilate the divine virtues here, तो फिर क्या होगा? What will happen? है? अगर तुम यहाँ स्वेच्छा से देवताई गुण धारण नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? है? If you don't assimilate them voluntarily here, what will be its result? सजा खा करके फिर देवता बनना पड़ेगा। You will have to suffer punishments and then become a deity. और जो सजा खा करके देवता बनेंगे, And those who suffer punishments and become deities, वो अधूरे देवता बनेंगे या संपूर्ण देवता बनेंगे? Will they become incomplete or complete deities? अधूरे देवता? They will become incomplete deities. फिर ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। Then they won't be able to obtain a high position. इसलिए गाय ने कोटों में को। This is why there is a saying, few among the billions. आसुरी गुण होंगे, क्रोध होगा, देह अभिमान होगा, तो कहेंगे ऊंच पद नहीं पाएंगे। If you have demonic traits, anger or body consciousness, it will be said you won't receive a high position. देवताओं में तो ये भूत होते ही नहीं है। Deities don't have these ghosts at all. कोई क्रोध करते हैं, If someone becomes angry, तो समझ लेना चाहिए इनमें भूत की प्रवेशता है। You should understand there is the entrance of ghost in him. है? जंजीर अंजीर से बांधना चाहिए कि नहीं?
शुड यू टाई हिम विद अ चेन एटसेट्रा और नॉट? भूत की प्रवेशता समझ लिया तो जंजीर से बांधे या नहीं बांधे? इफ यू अंडरस्टूड दैट देयर इज द एंट्रेंस ऑफ गोस्ट इन हिम, शुड यू टाई हिम विद अ चेन और नॉट? जंजीर से नहीं बांधना। डोंट टाई हिम विद अ चेन। दूर भाग जाना चाहिए। इन फैक्ट यू शुड रन अवे। जिसमें भूत की प्रवेशता हो उसका साथ संग नहीं करना है। यू शुडंट टेक द कंपनी ऑफ द वन हु हैज द एंट्रेंस ऑफ गोस्ट। ये भूत सभी मनुष्यों को पकड़ते हैं। दीज गोस्ट ट्रैप ऑल ह्यूमन बीइंग्स। अपन को देखना है हम लड़ते झगड़ते तो नहीं है। यू शुड चेक योर सेल्फ, डू आई फाइट एंड क्वारल? अथवा मनुष्यों की मिसल हमारी चलन तो नहीं है, क्योंकि अभी तुम बच्चों को दैवी चलन वाला बनना है। और डू आई हैव द कॉन्डक्ट लाइक दैट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स? इट इज बिकॉज यू चिल्ड्रन शुड बिकम दोस विद अ डिवाइन कॉन्डक्ट नाउ। अगर गंदगी निकलती है तो समझो भूत है। इफ डर्ट कम्स आउट ऑफ यू कंसिडर दैट देयर इज अ गोस्ट इन यू। भूतों से तो झट किनारा कर देना चाहिए। यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ द गोस्ट इमीडिएटली। कोई इविल बातें सुनाता है तो क्या करें? इफ समवन नरेट्स इविल टॉक्स व्हाट शुड यू डू? हियर नो इविल, सी नो इविल। देह अभिमान के कारण इविल छीछी गंदगी बातें आती हैं। हियर नो इविल, सी नो इविल। यू हैव इविल डर्टी टॉक्स बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस। ऐसे फिर बहुत सजाएं खावेंगे। सच वंस विल देन सफर अ लॉट ऑफ पनिशमेंट्स। समझो कोई प्रेसिडेंट का बच्चा है। सपोज देयर इज अ सन ऑफ अ प्रेसिडेंट। और कोई ऐसा गंदा काम करके मजिस्ट्रेट के आगे जाना पड़े। ही डज अ डर्टी एक्ट एंड हैज टू गो इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। अदालत में पेश होना पड़े। ही हैज टू हैव अ ट्रायल इन द कोर्ट। तो प्रेसिडेंट की कितनी इज्जत जावेगी। इट विल ब्रिंग सो मच डिसग्रेस टू द प्रेसिडेंट। 4/8/68 की वाणी का दूसरा पेज। सेकेंड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 4/8/1968। माँ बाप बेचारे शर्मसार हो जावेंगे, ये क्या हुआ। द पुअर मदर एंड फादर विल बिकम एम्बेरेस्ड थिंकिंग व्हाट हैपेंड। विलायत की तरफ भी बड़े बड़े आदमी छी छी काम तरफ जाते हैं तो उनका नाम बदनाम हो जाता है। इवन अब्रॉड व्हेन एमिनेंट पीपल परफॉर्म डर्टी डीड्स दे आर डिसग्रेस्ड। तुम्हारा भी नाम बहुत बदनाम होता है। यू आर ऑल्सो डिसग्रेस्ड अ लॉट। अगर ईश्वर का बनकर फिर भूत की प्रवेशता होती है तो कहेंगे नाम बदनाम हुआ। इफ यू बिलोंग टू गॉड एंड देन देयर इज द एंट्रेंस ऑफ गोस्ट इन यू, इट विल बी सेड दैट यू आर डिसग्रेस्ड। कहते भी हैं बाबा आप आवेंगे तो हम आपके ही होकर के रहेंगे। यू ऑल्सो से बाबा इफ यू कम वी विल बिलोंग ओनली टू यू। आप ही आकर के हमको ऐसा वर्षा देंगे। यू अलोन कम एंड गिव दिस इनहेरिटेंस टू अस। बाप तो जरूर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वहाँ देहधारी की याद तो आती नहीं है। द फादर डेफिनेटली एस्टेब्लिशेस हेवन, यू सर्टेनली डोंट रिमेम्बर द बॉडीली बींग्स देयर। अभी तो तुम संगम युग पर हो। नाउ यू आर इन द कॉन्फ्लुएंस एज। माना व्हाट डज इट मीन? वहाँ देहधारी की याद नहीं आती क्योंकि सब आत्मा अभिमानी होते हैं और अभी संगम पर। यू डोंट रिमेम्बर द बॉडीली बींग्स देयर बिकॉज एवरी वन इज सोल कॉन्शियस। एंड वॉट अबाउट नाउ इन द कॉन्फ्लुएंस एज? देह अभिमानी भी होते हैं और आत्मा अभिमानी भी होते हैं, दोनों का संगम है। अभी बुरे बुरे संकल्प भी आते हैं और ज्ञान युक्त अच्छे संकल्प भी आते हैं तो कहेंगे तुम संगम पर हो। देर आर बॉडी कॉन्शियस वंस एज वेल एज सोल कॉन्शियस वंस, इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ। नाउ यू हैव बैड थॉट्स एज वेल एज गुड नॉलेजेबल थॉट्स, सो इट विल बी सेड
दैट यू आर इन द कॉन्फ्लुएंस एज। जो कामी मनुष्य होते हैं उनको सारा दिन विकार का ही संकल्प आता होगा। द लस्टफुल पीपल वुड हैव द थॉट ऑफ द वाइस ऑफ लस्ट थ्रू आउट द डे। रात अथवा दिन को भी गटर में बुद्धि गिरती रहती है। देयर इंटेलेक्ट कीप्स फॉलिंग इन द गटर एट नाइट एज वेल एज ड्यूरिंग द डे। वही ख्यालात सारा दिन उनके चलते हो। दे वुड हैव द सेम थॉट्स थ्रू आउट द डे। स्वप्न में भी वही ख्यालात। दे हैव द सेम थॉट्स इवन इन ड्रीम्स। बाप बैठ समझाते हैं माया बड़ी तीखी है। द फादर सिट्स एंड एक्सप्लेन्स माया इज वेरी शार्प। सबसे नंबर वन है ये काम का संकल्प। द थॉट ऑफ द वाइस ऑफ लस्ट इज नंबर वन। और बहुतों को आता है। एंड देर आर मेनी हु हैव इट। इसके कारण ही दुनिया में झगड़ा चलता है। देर आर फाइट्स इन द वर्ल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ इट। अखबार वाले बेचारे इन बातों को क्या जाने। द पुअर पब्लिशर्स डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। क्योंकि उन अखबार वालों की तो है मनुष्य मत। इट इज बिकॉज देयर्स इज द ह्यूमन डायरेक्शन। ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है। दे डोंट नो अबाउट नॉलेज एट ऑल। कहते हैं ये भाई बहन बनाते हैं। दे से यू मेक पीपल इनटू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अरे ये तो अच्छी बात हुई ना। अरे दिस इज समथिंग गुड इजंट इट। सब मनुष्यों में भाईचारा हो जाएगा ना। देयर विल बी ब्रदरहुड अमंग एवरीवन वोंट देयर। भाईचारा हो जाएगा तो क्रिमिनल असॉल्ट नहीं करेंगे ना। इफ देयर विल बी ब्रदरहुड दे वोंट कमिट क्रिमिनल असॉल्ट्स विल दे। ब्रह्मा कुमार कुमारी दोनों भाई बहन हो गए। इफ बोथ ब्रह्मा कुमार कुमारी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो ब्रह्मा के बच्चे हो गए। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा। नई सृष्टि की शुरुआत हो गई। इट इज द बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। उनको फिर विकार में जाना। इफ दे इंडल्ज इन वाइसेस इसको तो कहेंगे इंसल्ट। इट विल बी कॉल्ड एन इंसल्ट। कई ऐसी ब्राह्मणियां हैं कुमारियां हैं जो सेंटर पर रहती है वो भी कब कब इन विकारों के सपाटे में आ जाती है। There are many of such brahminis, that is female brahmins and maidens, living at the centers who come in the trap of these vices sometimes. माया ऐसा जोर से ठूंसा मारती है जो एकदम विकारों में गिर पड़ती है। Maya gives them such a hard punch that they totally indulge in vices. फिर बताओ बाप भी क्या करे। Then tell them what can even the father do? लौकिक बाप भी देखते हैं हमारा बच्चा गंदा बन पड़ा। When the laukik father also sees My child has become dirty. तो बाप माँ बेचारे अंदर ही अंदर घुटका खाते रहते हैं। The poor mother and father feel disappointed within. यहाँ भी ऐसे है। It is the same here as well. इस दादा को भी घुटका खाना पड़ता है। This dada also feels disappointed. समझते हैं ये बच्चे तो नाम बदनाम कर देंगे। He thinks these children will bring disgrace to his name. ओम शांति ओम शांति।